शाहिद खान अफरीदी। चलो चलो उसे बात करते हैं। शाहिद भाई, हमने आपको बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी। जब इंडिया वाले बताते हैं कि सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला कौन है, वो कहते हैं शाहिद अफरीदी, फिर हंसते, फिर भी हमें दुख होता है, फिर भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। जब आप आए थे 96-97 में, बहुत मोहब्बत दी, एक इनिंग की वजह से हमने, वो इनिंग रही आपकी, और कोई 15 मैचेस के बाद आपने कोई 50 लगा ली, हम लोग फिर भी मोहब्बत देते थे, चलो 15 मैचेस भूल जाते थे। हाँ तो आपने क्या किया, किस पे तनकीद करते हैं आप? तनकीद करें इस्लाह वाली करें, तनकीद बराए तनकीद मत करें। आपको ये पता नहीं, वो कौम का हीरो है, वो कौम का लीडर, हम आपको भी हीरो मानते हैं, लेकिन आपसे बहुत बड़े हीरो गुजरे हैं। ज़हीर अब्बास को देखें, जावेद मियांदार को देखें, वसीम अकरम को देखें, वकार यूनुस को देखें, शोएब अख्तर को देखें, उससे बड़ा हीरो नहीं है, शोएब अनबिलीवेबल, उसको देखें आप। सईद अनवर को देखें, आमिर सोहेल को देखें, रमीज राजा को देखें, कितने नाम हैं, सरफराज नवाज को देखें, अब्दुल कादर को देखें, राशिद लतीफ को देखें, कितना बड़ा स्टार है, बाबर आजम को देखें, रिजवान को देखें, कितने नाम में गिनाऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान के, बाहर के तो छोड़ दें, वो तो पता नहीं क्या कहते हैं। तो आपने क्या किया? अपनी औकात से ऊपर मत बढ़े, हमें पता है आप किस चीज़ के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, जिनके कहने पे करते हैं, जिस लालच में आप करते हैं। आपको औहदों की भूख नहीं होनी चाहिए, आप हर वक्त पैसे के पीछे लगे होते हैं ना, आपको नहीं होनी चाहिए। आप पीसीबी के पीछे लगे रहते हैं, औहदों के पीछे लगे रहते हैं, उनको कहें कोई ऐसा औहदा आपको दे दें, अगर औहदों की लालच है, हमें पता है आप लालची है, पहले भी आप कैप्टनसी के पीछे लगे रहते थे, और आपके रिटायरमेंट कैसे हुई वो भी सबको पता है, आप मिन्नतें करते रहे कि एक मैच मुझे खिलाओ तो मैं इज्जत के साथ रिटायर हूँ, क्योंकि आपने वहाँ माहौल ऐसा बनाया हुआ था, ऐसा गंद मचाया हुआ था, आपको उन्होंने धक्के दे के निकाला टीम से, आप नहीं निकलना चाहते थे, ये सबको पता है, हमें भी पता है। आप कितनी मिन्नतें तरले की आपने, 3 साल तक इंतजार करते रहे कि मुझे खिलाओ, मैं एक मैच सिर्फ खेलूँ, नहीं खिलाया उन्होंने, उनको पता था आपकी औकात ये है, और आप किसके बारे में बात करते हैं। हाँ, आपसे पहले कितनों के जलील हुए हैं, बड़े बड़े फने खान थे, कासिम अली शाह को देखें, अपनी फील्ड का वो भी चैंपियन है, देखिए उसके साथ क्या हुआ। हाँ, जवाद अहमद को देखें, अपनी फील्ड का वो भी चैंपियन है, देखें किस तरह जलील हो रहा है, वो खुद अपनी जबान से कहता है, जब से इमरान खान को मैंने छोड़ा है, उसके बाद मुझे कोई शादी में भी नहीं बुलाता, वो खुद कहता है। वो आप देखें, सांडे का तेल बेचते हैं, आप वो भी नहीं छोड़ते, जब फारिग होते सांडे का तेल बेचते हैं, आपकी ये हालत है, आप कोई मौका जाने नहीं देते पैसों का, आखिर में तेल बेचना शुरू किया, ये साइड में देखें व्यूअर्स, ये तेल बेचता है। आपकी हालत ये हो चुकी है, आपने इमरान खान साहब पे गोलियां चली, आपने उसकी मजम्मत नहीं की। देखें, जिस एसपी साहिबा के साथ आप घूमते हैं, उसने जो औरतों के साथ किया पंजाब में, जिस तरह का जुल्म किया है, उस पर आपने कभी नहीं बोला, उसके साथ फिरते हैं, बोला नहीं, क्योंकि उस वक्त आप सांडे का तेल बेचने में मसरूफ थे, इस वजह से पंजाब में कितना जुल्म हुआ, उस पर आप नहीं बोले, खान साहब की रैली पे हमला हुआ, आप नहीं बोले, लोगों की घरों में औरतों को घसीटा गया, औरतों को धमकियां दी गई, रेप की धमकियां दी गई, आप नहीं बोले, क्योंकि आप सांडे का तेल बेच रहे थे, आपको पता नहीं था उस वक्त। इमरान रियाज को इतने महीने उठाया गया, गायब किया गया, गैर कानूनी, उसके साथ क्या क्या हुआ, आपने कोई मजम्मत नहीं की उसकी, क्योंकि आप सांडे का तेल बेच रहे थे। हाँ, बच्चों के साथ इतना जुल्म हुआ पंजाब में, औरतों के साथ इतना जुल्म हुआ, औरतों को मारा गया, जिले शाह को कत्ल किया गया, सरेआम कत्ल किया गया, इतने लोग मारे गए रैलियों में, आम आवाम थे, आपने मजम्मत नहीं की, क्यों? क्योंकि आप सांडे का तेल बेचने में मसरूफ थे, ये आपकी हालत है, और यहाँ तनकीद करते हैं आप आए दिन, आप जिसकी वजह से करते हैं, जिसके कहने पे करते हैं, वो सबको पता है, वो कहाँ बैठी है, वो कहाँ बैठे हैं, ये आपकी हालत है। आप उसकी तरह हो गए जेदा मिरासी, जो है पता नहीं जेदा मिरासी, वो जो अपने आप को जावेद चौधरी कहता है, वो भी देखे ना,
मर्दाना ताकत की दवाएं भेजता है, कैप्सूल भेजता है, उसकी हालत देखे ना क्या हो चुकी है। कासिम अली शाह की हालत आपने देखी, कहां से कहां पहुंच गया है, आपने देखा उसे। आपकी हालत ये है तो आप इज्जत के साथ रहें, कौम ने आपको हीरो माना था तो आप अपने अपने को जलील मत करें। आप जितने प्लेयर थे वो सबको पता है आप कितने प्लेयर थे, हमने माना आपने मैचें भी जितवाई हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि बहुत सारी मैचें आपकी वजह से हारी भी है पाकिस्तान ने। ये देखें जरा शोएब अख्तर इसके बारे में क्या कह रहे हैं, सुने जरा गौर से। मुझे तो हैरत अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ, और सेकेंडली जिस तरह 350 वनडो में ये जिस मेच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है करता रहा है उसी मेच्योरिटी से ये मीडिया बात करती है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म मुझ पे किया जा रहा है। इमरान भाई हमेशा से मेरे लिए आइडियल रहे हैं और मैं आज भी और जाहिल में यही फर्क होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया। देखिए मुझे तो हैरत अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ, और सेकेंडली जिस तरह 350 वनडो में ये जिस मेच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है करता रहा है उसी मेच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है, अभी तक इसे मेच्योरिटी आई भी जा रहे हैं। और दूसरा देखिए, एक पढ़े लिखे बंदे से जब सवाल किया मिसबाह से कि शोएब और यूसुफ आप पे तनकीद करते हैं, तो उसने आगे से कहा जी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और वो काफी बारी बातों में ठीक कहते हैं, और यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया पे। सेकेंडली अब देखिए, मैं किसी भी जातियात पे जाके हिट नहीं करना चाहता, और जफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना ये उसने अच्छा नहीं किया। देख लिया ये इसकी हालत है, जहां आप जितवा सकते थे फिर भी हमने आपको हीरो माना, हर आए मैच में आप जीरो पे आउट हुए फिर भी हमने हीरो बना, तो सुधर जाए। ये कौम बेरहम कौम है, देखा ना 8 फरवरी को क्या कर दिया इसने। अगर आपको इतना ही शौक है तो आए इलेक्शन में, खड़े हूँ खान साहब के सामने। हालत है रमीज राजा देखें, वो भी तो हीरो है ना मुल्क कौम के, वो क्या कह रहे हैं खान साहब के बारे में। वसीम अकरम को देखें, वो क्या कह रहे हैं, और आप अपनी हालत देखें। सुधर जाए तो अच्छा है। और आपको जो मंसूर लोंडाला पड़ा पुश कर रहा है ना कि आप आगे आए, इसने कासिम अली शाह को भी इस तरह किया था, उसे भी कहा था, उसने उसे भी उंगली दी थी कि आप आए ऊपर आए, आप भी हीरो हैं हमारे आगे आए। उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी इसी तरह कहा था कि आप आगे आए, आप क्यों डरते हैं। ये वो है, इसकी अपनी हालत देखें तो आप अपने हिसाब से रहें। आप प्लेयर हैं, हमने आपको हीरो माना, लेकिन अपने आप को जीरो मत बनाए। आपकी वजह से आफरीदियों की इज्जत बढ़ी थी, आपकी वजह से वो जलील हो रहे हैं, तो आप सुधर जाएं। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।